हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉरएवर। आज हम देखेंगे कि कढ़ाई पनीर कैसे बनाया जाता है। कढ़ाई पनीर एक पंजाबी डिश है जो कि खाने में काफी टेस्टी और स्पाइसी होता है, और आप इसे पराठा, कुलचा या नान वगैरह के साथ खा सकते हो। तो अगर आपको ये देखना है कि बटर नान कैसे बनाई जाती है, तो उसके वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं कढ़ाई पनीर कैसे बनाया जाता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ नए नए फूड रेसिपीज वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए देखते हैं कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 200 ग्राम चॉप किया हुआ पनीर, 2 ओनियंस और 2 टोमेटोस जिसे हमें बड़ा बड़ा कट कर लेना होगा। फिर हमें एक और चॉप किया हुआ ओनियन चाहिए। फिर हमें चाहिए एक चॉप किया हुआ कैप्सिकम, 1 टेबल स्पून जिंजर चिली पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक चिली पेस्ट, आधा टेबल स्पून फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, 2 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स, आधा टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, थोड़े से होल स्पाइसेस, मैं यहाँ पर इलायची, लौंग और काले मिर्च का यूज़ कर रहा हूँ। फिर हमें चाहिए 2 टेबल स्पून बटर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर, 1 टी स्पून गर्म मसाला, 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून क्रीम यानी कि मलाई, थोड़े से कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और स्वाद अनुसार नमक। तो सबसे पहले हम कढ़ाई पनीर बनाने के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैं एक पैन में 2 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स, आधा टेबल स्पून फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, आधा टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा और थोड़े से होल स्पाइसेस डाल के इसे हमें मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेना होगा। अप्रॉक्सीमेटली जब 2 से 3 मिनट हो जाए और जब इसे अच्छी खुशबू आने लगे तब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसे हमें ठंडा होने देना होगा। फिर हमें इलायची की स्किन को पील कर लेना होगा। अब हम इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसे हमें ग्राइंड कर लेना होगा। ये देखिए मसाला रेडी हो चुका है। तब हम एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लेते हैं और इसे गर्म होने देना होगा। ऑयल जब गर्म हो जाए तब हम इसे 2 चॉप किए हुए ओनियंस ऐड कर लेते हैं, और ओनियंस को हमें तब तक सौते करना होगा जब तक ये हल्के से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। इसके साथ हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेते हैं ताकि ओनियंस फटाफट कुक हो जाए। ओनियन जब हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे 2 चॉप के टोमेटोस ऐड कर लेते हैं, और इन्हें भी हमें अच्छे से पकाना होगा। ये अच्छे से पक चुके हैं तब हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इसे हमें ठंडा होने देना होगा। जब ये ठंडा हो जाए तब हमें इसे जो मसाला हमने बनाया हुआ था उसके साथ ऐड कर लेना होगा। फिर हम इसे तकरीबन 3 टीस्पून जितना पानी ऐड कर लेना होगा, और अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं और उसकी प्यूरी बना लेते हैं। ये देखिए प्यूरी रेडी हो चुकी है। तब हम उसी पैन में 2 टेबल स्पून जितना बटर लेते हैं। बटर जब मेल्ट होने लगे तब हम इसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक चिली पेस्ट और 1 टेबल स्पून जिंजर चिली पेस्ट ऐड करके इसे हमें अच्छे से सौते कर लेना होगा। अगर आपको ऐसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है तो आप 1 टेबल स्पून के बदले आधा टेबल स्पून जितनी पेस्ट ऐड कीजिए। फिर हम इसमें 1 चॉप किया हुआ ओनियन ऐड कर लेते हैं, और फिर 1 चॉप किया हुआ कैप्सिकम ऐड करके इसे हमें तब तक पकाना होगा जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। ओनियन और कैप्सिकम जब सॉफ्ट हो जाए तब हमने जो प्यूरी बनाई हुई थी वो इसमें ऐड कर लेते हैं। और फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड करके इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं।
फिर हमें उसे तकरीबन आधा कप जितना पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लेना होगा। अब हमें पैन को कवर कर लेना होगा और इसे मीडियम फ्लेम पे अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट तक पकाना होगा। 5 मिनट हो चुकी है, तब हम इसमें 200 ग्राम चॉप किया पनीर ऐड कर लेते हैं और इसे हमें ग्रेवी के साथ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। फिर हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला और 2 टेबलस्पून जितनी क्रीम यानी कि मलाई ऐड करके इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें एक बार वापस कवर कर लेना होगा और इसे हमें 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना होगा। 2 मिनट हो चुकी है, तब हम इसमें 1 टेबलस्पून जितनी कसूरी मेथी ऐड कर लेते हैं। कसूरी मेथी को हमें ऐसे हाथों में लेकर क्रश करके ऐड कर लेना होगा। ये देखिए कढ़ाई पनीर रेडी हो चुका है, तब हम इसे कोरिएंडर लीव से गार्निश कर लेते हैं और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए कढ़ाई पनीर रेडी है, आप इसे गर्मा गर्म नान या कुलचा वगैरह के साथ खाइए एंड आई एम श्योर ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।